आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैंने यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर कितनी ट्रेड ली है और कितना क्रिप्टो के अंदर मैंने जो प्रॉफिट है वो किया है या लॉस किया है। इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और यहाँ पर कुछ आपको नया तरीका भी क्रिप्टो ट्रेडिंग का यहाँ पर सिखाने वाले हैं। यदि जो लोग नए हैं उनको ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है, उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करना है। बगैर सीखे आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको अच्छे तरीके से इसको सीखना है, समझना है। इसके इंडिकेटर को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, इसके चार्ट पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, इसकी कैंडल्स को आपको समझना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर मेन जो मायने रखता है वो है इसका टाइम पीरियड, किस टाइम में कितना मार्केट ऊपर नीचे हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। और मार्केट अपना जो परफॉर्मेंस है वो किस तरफ कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है या नीचे की तरफ कर रहा है। और ये आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ये दोनों चीजें आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। हालांकि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी मैंने यहां पर VTC के अंदर आज मैंने केवल और केवल दो ट्रेड ली है और दोनों ट्रेड में मैंने दोस्तों अच्छा खासा यहाँ VTC के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया है आज दोनों ट्रेडों के अंदर। और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह यहां पर क्रिप्टो के अंदर अच्छा खासा ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमा सके। तो दोस्तों यहां पर मैंने वनडे का चार्ट अभी ओपन किया है और वनडे के चार्ट के हिसाब से यदि हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं अपना एक जो सपोर्ट लेवल यहां पर दिखाया है, इससे एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है कि मार्केट देखिए आपको यहाँ पर कितना फ्लैक्चुअल हुआ है। तो एक अपना इसने वनडे के ग्राफ के हिसाब से एक अपना इसने लेवल को बना लिया है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि मैंने यहां पर वनडे के ग्राफ को कंपेयर किया 30 मिनट के ग्राफ से, तो मैं अब तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 30 मिनट्स का जो चार्ट है उसे ओपन कर लिया है और 30 मिनट के चार्ट को मैंने वनडे के चार्ट से कंपेरिजन करके यहां पर आज मैंने दो ट्रेड के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो आज प्रॉफिट बुक किया है वो सबसे पहले तो मैंने बुक किया है दोस्तों यहाँ से मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और यहाँ मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। यहाँ पर मैंने एक पहला जो फर्स्ट ट्रेड है वो यहाँ पर अच्छा खासा बुक किया। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर मैंने दोबारा से पैसा इन्वेस्ट किया और यहाँ पर मैंने सेल आउट किया। तो मैंने आज के दिन यानी वनडे के अंदर मैंने दो ट्रेड ली और दोनों ट्रेड के अंदर अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पर बुक किया है प्रॉफिट के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष कैंडल्स को देखना है और उसके टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड के हिसाब से यदि आपने कैंडल्स को एनालाइज कर लिया और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इंडिकेटर को भी आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कितना अच्छा BTC में फ्लैक्चुअल हुआ है और यहाँ पर कंटिन्यू जो है लोग यहाँ पर BTC के अंदर प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जब भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो समय का विशेष ध्यान रखें, इसके सारे टाइम पीरियड को आप एनालाइज करके मार्केट कहाँ किस ओर मूव कर रहा है ये चीज आपको यहां पर जरूर देखना है दोस्तों। बगैर आप टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट ना करें, और यदि आप लोग नए हो तो पहले आप डेमो को यहां पर सीखें, फ्री का आपको बहुत सारे डेमोज मिल जाएंगे और वहां पर आप ट्रेडिंग और कैंडल्स को आप रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि मार्केट किस ओर जाता है और ग्रीन सिग्नल किस लिए होता है और रेड सिग्नल किस लिए होता है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं दोस्तों। यहां पर मायने क्रिप्टो करेंसी नहीं रखती है, मायने रखती है दोस्तों आपकी लैक ऑफ नॉलेज। यदि आपके पास ट्रेडिंग का अच्छा नॉलेज है, आपको ट्रेडिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप क्रिप्टो के अंदर भी पैसा कमा सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा कमा सकते हैं। लोग जो है क्रिप्टो के अंदर भी पैसा कमा रहे हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो केवल और केवल मैंने अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया और कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेटजी का हम इस्तेमाल करके या उसका यूज करके हम यहाँ पर जो पैसा डेली प्रॉफिट में बुक कर रहे हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ और वही चीज़ आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं समझाने का भी प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बाकी में पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को और बहुत जल्द फिर मिलेंगे इसी प्रकार के लेटेस्ट चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।